वेलकम टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स, होप यू विल बी ऑल फाइन। टुडे आई विल डिस्कस एंड गिव यू बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉज, कोर्ट फीस एक्ट अंडर सेक्शन 19A, रिलीफ वेयर टू हाई अ कोर्ट फीस हैज़ बिन पेड। अगर कोर्ट फीस ज़्यादा पे हो गई है तो उसका रिफ़ंड या उसकी एडजस्टमेंट कोर्ट फीस एक्ट के तहत या उसकी कंपनसेशन कैसे होगी। तो नाज़रीन इकराम, ये एजुकेशनल लॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड चैनल है, को सब्सक्राइब करें, लाइक व्यू और शेयर भी करें, अपने कमेंट्स आरा से आगाह करें। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली मालूमात होती हैं। तो उस पर यह है कि अगर ऑन प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज्ड प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूएशन होती है, यानी कि अगर कोई मर गया है उसने तरका जो छोड़ा है विरासत में, उस पर किसी को मुकर्रर किया है वसी या किसी को मुंतजम बनाया उसने वाया कोर्ट और वसीयत लिखी थी, वो वसीयत प्रोबेट कोर्ट से अदालत से तस्दीक हुई है, तो उस वसीयत को प्रोबेट बोलते हैं। लेटर एडमिनिस्ट्रेशन मीन मुंतजम इंतज़ाम का लेटर, उसके मरने वाले की जायदाद का वो बाद में कैसे इंतज़ाम किया जाएगा, कैसे उसको एडजस्ट किया जाएगा, चलाया जाएगा, कैसे उसकी तकसीम होगी उनके वारसान में, तो ये सब कोर्ट जो है अप्रूव करती है। तो दफ़ा 19 हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई करता है, जब हम कोर्ट फीस एक्ट अंडर सेक्शन 19 से रिजू करते हैं, देखते हैं। तो कुछ इस तरह है कि वेयर एनी पर्सन ऑन अप्लाइंग फॉर प्रोबेट अ विल आर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एस्टिमेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड टू बी ग्रेटर वैल्यू देन सेम हैज़ आफ्टरवर्ड प्रूव टू बी एंड हैज़ कॉन्सिक्वेंटली पेड टू हाई अ कोर्ट फीस देयर ऑन। इफ विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर अंदर, आफ्टर द ट्रू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बिन असर्टेंड, सच पर्सन प्रोवाइड्स द प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। For the local area in which the probate or letter of administration has or have been granted। तो यहाँ तक नाज़रीन इकराम, मैं आपको वज़ाहत करता चलूँ कि एक मुतवफ़ी जो है मरने वाला, उसने तरके में अपनी कुछ जायदाद छोड़ी है, उसके लिए उसने अपना वसीयत लिखवाई थी, अप्रूव हुई, वो प्रोबेट की शक्ल में आ गई कोर्ट से, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वारसान ने, और वो प्रोबेट हासिल किया है। उसमें जिस बंदे का नाम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वसी होगा, कि इस जायदाद का वो मतवली और मुंतजम होगा, तो अगर उसने उस मरने वाले की जायदाद या प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन उस वक़्त ज़्यादा की है और उस पर कोर्ट फीस भी ज़्यादा पे हो गई है, तो वो बाद में पता चला कि एक्चुअल उस लोकल एरिया वाइज कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी की शेड्यूल के मुताबिक, तो वैल्यूएशन कम बनती है, उसमें फ़ीस भी कम लगनी थी। तो इसके लिए हमें सेक्शन 19A कोर्ट फीस एक्ट 1870 एज अमेंडेड अप टू डेट
हमारी रहनुमाई करता है। तो आगे चलते हैं, एंड डिलीवर टू सच अथॉरिटी अ पर्टिकुलर इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड, को रिकॉर्ड और वो सारा वैल्यूएशन जो है उस कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को दिखाया जाता है कि नहीं जी इसकी तो कम कीमत बनती थी, वैल्यू कम हुई, उस पर कोर्ट फीस भी कम लग रही थी। तो ये 6 माह के अंदर या 6 माह से गुजरने के अंदर अंदर या उसके बाद आगे पीछे थोड़ा उसको रबता किया जाता है, बताया जाता है चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी उस वैल्यूएशन की जांच पड़ताल करेगी कि वाकई ही कम बनती है और इस पर कोर्ट फीस भी कम ही लग रही थी, तो ये गलती से लग गई है। तो इसके पास स्वाबदीदी इख्तियारात होते हैं चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, डिस्क्रिशनरी पावर्स जिसको बोलते हैं, कि वो जो उसमें मैं ये भी बता दूं कि जो वेरिफिकेशन होगी वो एफिडेविट बयान हल्फी के ज़रिए होगी। आप उनको एक बयान हल्फी पे लिख के देंगे कि जी इस एरिया में बनने वाले की जायदाद थी, वहाँ की वैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर्टी की वो कम बनती है, जब पहले हमने कोर्ट फीस लगा के वैल्यूएशन पे किया वो गलत बनी है। वो कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी उसको चेक करेगी और वो एप्लीकेशन एक बयान हल्फी पे दी जाएगी, उसको अफर्म किया जाएगा, तस्दीक किया जाएगा। एंड इफ सच अथॉरिटी मीन चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी सेटिस्फाइड, उस पर मुतमिन होती है दैट अ ग्रेटर फीस वाज पेड ऑन द परबेट आर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट द लॉ रिक्वायर्ड, कि कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा वो कोर्ट फीस लगी है, पे हो गई है, तो वो अथॉरिटी क्या करेगी, द सेट अथॉरिटी मे कैंसल द स्टैम्प ऑन द प्रोबेट आर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ ऑलरेडी हैज़ नॉट बिन कैंसल्ड। ये मैं इख्तियारात बयान कर रहा हूँ कि उसके पास फिर इख्तियारात क्या होते हैं, या तो वो उस स्टैम्प्स को कैंसिल कर देगी, या अगर वो पहले कैंसिल नहीं हुई तो सब्स्टिट्यूट एन अदर स्टैम्प फॉर डिनोटिंग द कोर्ट फीस विच शुड बी या हैव बीन देयर ऑन, तो उसका मुतबादल वो अलाउ करेगी, एडजस्टमेंट करेगी उसकी। नंबर 3, मेक एन अलाउंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द एज इन द केस ऑफ स्पॉइल्ड स्टैम्प आर रीपे द सेम इन शेप ऑफ मनी एट हिज डिस्क्रिशन, या फिर अलाउंस देगी उस डिफरेंस का, या उतनी अमाउंट की जो एक्सेस कोर्ट स्टैम्प की शक्ल में पेमेंट हुई है उसको मनी की शक्ल में, रकम की शक्ल में वो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो वापस करेगी। तो ये कानून जो है कोर्ट फीस एक्ट, अक्सर आवाम को तो नहीं इतना पता होता है, वकला हजरात लीगल एडवाइज़र से होते हैं, आपका लीगल कंसल्टेंट ही जानता है कि अगर गलती से ज़्यादा कोर्ट फीस पेमेंट हो गई है तो किस तरह ली जाती है। मगर ये चैनल आम जनरल पब्लिक के लिए, उसके फ़ायदे के लिए मैंने बनाया हुआ है, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और व्यू करें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी हौसला अफजाई ही मेरे काम आती है, यही मेरा रिवार्ड है। आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर करना ही मेरा सबसे बड़ा एसेट है।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्यू करें, 5-10 मिनट में कोई मसला नहीं बनता। बंदा यूज़लेस फजूल चैनल्स को खोल के 2-2 घंटे बैठा रहता है। वाई यू डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन बेनिफिशियल नॉलेज विच कैन यू हेल्पफुल फ्रूटफुल इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर सोसाइटी, इन योर स्टेट एंड कंट्री। ड्यू टू दिस नॉलेज यू गेट समथिंग, सम अवेयरनेस इन योर सेल्फ। यू कैन टॉक विद योर लायर कंसल्टेंट, टेल हिम, आस्क हिम, सर हैव यू पेड द एक्सेस टू हाई कोर्ट फी स्टैम्प, वट शुड बी, वट वी विल डू, हाउ वी कैन रिलीफ गेट द रिलीफ, हाउ वी विल गेट बैक आवर एक्सेस मनी विच वी हैव पेड इन शेप ऑफ स्टेप मिस्टेकनली। इन दिस रिगार्ड एक्ट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री प्रोवाइड द रिलीफ, रेमडीज, कंपनसेशंस फॉर द अग्रीव्ड पर्सन। उस सितम रसीदा शख्स के लिए कानून ने रस्ते बताए हैं, फ़ायदे बताए हैं, मगर कानूनी तौर पे हमें पता नहीं है कि हम वो फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ, गुजारिश भी करूँगा, करता रहूँगा। तालीम हासिल करना हर शख्स के लिए लाजमी और फ़र्ज़ करार दिया गया है। जो भी अकल बालग है, समझदार है, बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, तो उसको इल्म, थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल करना चाहिए। ये चीज़ें आपको बताता कोई नहीं है। आप वकील के पास जाते हैं, सारा दिन ज़ाया करते हैं, पूरा हफ्ता ज़ाया करते हैं, महीना ज़ाया करते हैं, वो आपको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहेगा चलाता रहेगा और आप चलते रहेंगे। मगर उसके लिए चलने से पहले आपके पास उस लाख का, मैं कहूँगा, एक छोटा मोटा टिकट भी आपके पास होना चाहिए कि आप जिस बस में, कानून की बस में सफ़र करने लगे हैं, वो बस, वो दफ़ा होती है, सेक्शन होता है बस, वो कानून होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए, आपको पता हो कि मैंने कहाँ जाना है। ड्राइवर आपको जिधर मर्जी लेके घूमता रहे, नो, ये आपके नुकसान के लिए है। आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करें, व्यू करें, दोस्तों आवाज़ में शेयर करें, कमेंट्स में बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। मेरी हर नई आने वाली वीडियो रिगार्डिंग टू लॉ, कानून के हवाले से, इंफॉर्मेशन, मालूमात के हवाले से आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।